हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोल में चबाना और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए और हम सभी लोगों के लिए भी, हम सभी हीलर्स के लिए जो कि आपके लिए स्पेल करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, स्विच वर्ड्स बनाते हैं, सिजिल करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, तंत्र करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। और आप लोग जो उसको फॉलो करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा देखिएगा प्लीज, नहीं तो बाद में मत कहना कि पहले बताया नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, इस वीडियो से पहले मैंने एक कभी स्विच वर्ड्स का वीडियो बनाया था और उसमें एक बहुत ही खास चीज मैंने बताई थी जो किसी पर्सन को बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा इस पॉइंट में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। अभी आती हूँ मुद्दे पे कि मैंने क्या कहा और उसका क्या मतलब था, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो कर लीजिए। सबसे पहले वही लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे, वक्त पे पहुंचेंगे, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आते हैं तो इतना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। मैंने वीडियो अभी बनाया था नो कॉन्टेक्ट, या फिर जब कोई किसी को ब्लॉक कर देता है या कोई कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो आपस में बातचीत बंद हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा रिचुअल बताया था। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है कि एक खास स्विच वर्ड फ्रेज किस तरह से लिखना है और उसको जो है कैसे ब्रॉडकास्ट करना है, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, रेमेडी करते हैं, वो तंत्र हो, स्विच वर्ड्स हो, लाल किताब से रिलेटेड हो, वैदिक हो, ऑकल्ट हो, एंजल हीलिंग हो, सिजिल हो, कोई भी हो, तो एक तो सबसे पहली बात कि उसको कंप्लीटली करना चाहिए और दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर बारिश हो जाती है, लाइक आपने कोई अभी एक रिचुअल किया और रात को बारिश हो गई या कल परसों में बारिश हो गई, तो उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है या कह लीजिए 1-2% रह जाता है। उस केस में क्या करना होता है, उस रिचुअल को दोबारा करना होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपने बारिश का क्या रिश्ता है इससे, तो वही चीज मैं आपको समझाने जा रही हूं। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, तंत्र करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कोई भी रिचुअल करते हैं, तो हमारी इंटेंशन उसके अंदर हम डालते हैं, दिल से करते हैं। जब हमें कोई किसी चीज की बहुत खास जरूरत होती है या किसी तकलीफ से जा रहे होते हैं तभी हम कोई उपाय करते हैं, अदरवाइज तो क्यों करेगा ना कोई। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप उपाय नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तभी आप उस चीज का उपाय करते हैं। और जब आप उपाय करते हैं तो आप अपनी कंप्लीट फीलिंग, इंटेंशन, हार्ट, दिल सब उसके अंदर डाल देते हैं। और जो मन है, दिल है, जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स के हमारे लॉर्ड कौन से होते हैं, चंद्रमा। और चंद्रमा का क्या एलिमेंट है, वाटर, ठीक है ना। अब हम ऐसे वाटर से भी आपको रेमेडी करके बताते हैं कि आपने हाथ में एक ग्लास में पानी लिया और आपने स्विच वर्ड इस तरह से बोले और आपने उस पानी को पी लिया तो आपकी बॉडी के अंदर जज्ब हो गया। लेकिन अगर बाहर आसमान से बारिश हो जाए तो क्या होता है कि वो जो पानी की बूंदे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं गई ना, आपने उनको इंटेक तो नहीं किया ना,
तो वो जो रिचुअल है वो कहीं ना कहीं मिट जाता है। वो जितनी इंटेंशन डाल के आप उस रिचुअल को करते हैं वो कहीं पे नलफाइड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, वो पानी बरस जाता है और वो ओवर हो जाता है और सारा पानी जमीन में चला जाता है। आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी। फिर एक बार बताती हूँ, हम कई सारे रिचुअल्स बताते हैं कि उसमें पानी रखिए, पानी को लेके हाथ में उस रिचुअल को करिए, उस पानी को पी लीजिए। जब आपने उस पानी को पी लिया तो आपके शरीर के अंदर रज बस गया। लेकिन जब आपने किसी रिचुअल को ब्रॉडकास्ट किया है, वॉल पे ब्रॉडकास्ट किया है, स्काई पे ब्रॉडकास्ट किया है, बाहर कहीं पे ब्रॉडकास्ट किया है, या यूनिवर्स को आपने दे दिया है अपनी इंटेंशंस या अपनी प्रार्थना भेजी है, तो उस वक्त अगर बारिश हो जाएगी तो आपका वो जो रिचुअल है, वो रेमेडी है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो वापस जमीन पे आ जाएगी। जो जो मैसेज आप डिवाइन को स्काई में भेज रहे थे, यूनिवर्स में भेज रहे थे, ब्रह्मांड में भेज रहे थे, वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, चिट्ठी गलत पते पे चली जाएगी। चिट्ठी को वहां जाना है, चिट्ठी यहां आ जाएगी, तो वो सब धुल जाएगा, जमीन में चला जाएगा, भूलोक में चला जाएगा। हमें ब्रह्मांड में भेजना है, भूलोक में, पाताल लोक में नहीं भेजना। पाताल लोक जमीन में के अंदर नहीं उसको करना, हमें डिवाइन को देना है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है, जब हम कोई स्विच वर्ड का इनर्जी सर्कल बना रहे हैं या कोई ताबीज बना रहे हैं या कुछ भी चीज बना रहे हैं, तो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो हम उसको बर्न कर देते हैं। हम लोग हवन करते हैं तो उसमें आहुति किसमें देते हैं? अग्नि में देते हैं। क्यों? अग्नि के थ्रू, फायर के थ्रू आपका जो मैसेज है वो सीधा ऊपर जाता है। अग्नि कभी भी नीचे नहीं आती है। आप कभी भी माचिस भी जलाते होंगे तो अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, डिवाइन मैसेज सीधा ऊपर जाता है, अग्नि कभी भी नीचे नहीं आती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि अगर एकदम से बारिश हो गई, आपने अभी अभी कुछ किया और बारिश हो गई, तो उसको आपको रिपीट करना होगा, सिर्फ इतना सा, ठीक है? आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ कुछ सीखने को मिला होगा। और कई बार क्या होता है, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं एकदम से, तो उस वक्त खास ध्यान रखिए, बारिश तो नहीं हो गई थी। ये बातें हैं छोटी छोटी, ये सारी बातें नहीं बता सकते हैं, बातें तो और भी बहुत है। पिटारा जो है बहुत भरा हुआ है, बहुत सी चीजें हैं उसमें। जैसे जैसे होगा, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं बताती रहती हूँ, उनके ऊपर अमल कर सकते हैं और पूरा फायदा ले सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।